जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी को मणिदीप आश्रम से गंगाकुंड स्थल पालकी पे सवार कर भक्तों द्वारा ले जाया गया, जहां पर सभी भक्तजनों के दर्शन होंगे। भारी संख्या में यहां श्रद्धालु मौजूद हैं। आपको बता दें कि शाम 4 बजे तक महाराज श्री जी को समाधि दी जाएगी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। BIP का आना शुरू हो गया है। 2 बार उनको कारागार जाना पड़ा और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में तो 9 महीना जेल में रहे। वहाँ गाजीपुर के पास अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने 39 रेल की पटरी उखाड़ दी थी और यहाँ नरसिंहपुर में भी, नरसिंहपुर की जेल में 3 महीने की सजा हुई है। दो दो पीठ के शंकराचार्य थे। धार्मिक क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उन्होंने न किया हो। बड़े क्रांतिकारी रहे और निर्भय निर्भीकता पूर्वक उद्बोधन उनका होता था सनातन धर्म की रक्षा के लिए। बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, बहुत बड़ी। अभी उन्होंने 100वें वर्ष में प्रवेश किया, 100 वर्ष प्राप्त कर लेना, और निरंतर इतना भ्रमण किया है, निरंतर इतनी धर्म सभाएं की हैं, गो माता की रक्षा के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए उन्होंने, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार के लिए बहुत प्रयास किया, पुनरुद्धार समिति का उन्होंने गठन किया, रामालय ट्रस्ट का गठन किया, ये सब आप लोगों को मालूम है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हिंदू धर्मावलंबियों, हमेशा हिंदू धर्मावलंबियों, सनातन धर्मावलंबियों, सभी के लिए देशवासियों के लिए, उनके हृदय में बहुत करुणा और दया, ऐसा महात्मा और ऐसा महापुरुष प्राप्त होना हम सबके बड़े सौभाग्य का विषय था। आज वो प्रकाश पुंज नहीं रहा है हम लोगों के बीच में, क्या कह सकते हैं, कोई शब्द नहीं है। क्या योजना है आश्रम की? कल समाधि होगी शाम को 4 बजे, उसके बाद शोक सभा होगी, उसके बाद षोडशी होगी, फिर आगे की योजनाएं बताएंगे।